अगर आप सबको जैपनीज मूवी देखना पसंद हो, आप नई नई अच्छी जैपनीज मूवीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको दो बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें जो पहली मूवी है उसका नाम है योर आइज टेल, जो इसकी IMDb रेटिंग है वो है 7.1 out of 10। जो इसमें मेन कैरेक्टर हैं, टोटली दो मेन कैरेक्टर मेनली इन्वॉल्व हैं इस सीरीज़ में, मतलब मूवी में। जो पहला कैरेक्टर उसका नाम है एंटोनियो सिनोजाकी रुई, जो दूसरा मेन कैरेक्टर है उसका नाम है अकारी कासीवागी। जो इसकी स्टोरी है कुछ इस तरह की है कि इसमें जो अकारी कासीवागी होती हैं उनको ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, जो कि मतलब एक एक्सीडेंट के बाद होता है, जिसमें उनके मदर और फादर दोनों का डेथ हो जाता है। जो रुई होते हैं सिनोजाकी, वो एक बॉक्सर होते हैं और उनका गुंडों के साथ भी संपर्क होता है पहले, लेकिन वो एक एक्सीडेंट मतलब जो एक्सीडेंट अकारी के साथ हुआ है उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें उसके बाद उनको जेल हो जाती है 6 महीने की। तो उसके बाद वो बदल जाते हैं और मतलब सभी मतलब गुंडों से दूर हो जाते हैं, वो अलग रहने के डिसाइड करते हैं। लेकिन उनको बाद में जब एक वॉचमैन की मतलब काम पे वो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनका उनकी मुलाकात होती है अकारी से, जो कि मतलब उनको ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम उस समय होती है अकारी को, और वो दोनों फ्रेंड हो जाते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और लेकिन बाद में जब रुई को पता चलता है कि अकारी को जो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है वो उन्हीं के वजह से है, क्योंकि उन्होंने ही जिस आदमी को धमकी देने के लिए वो गए, वो छत पे से जो वो अपने आप को सुसाइड किया, तो वहीं पे उनका जो एक्सीडेंट कॉज हुआ उसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ था अकारी के मदर और फादर की, और वो भी ब्लाइंड हो गई थी। तो उनको काफ़ी बुरा लगता है और वो चाहते हैं कि अकारी की आंखें सही हो जाएं। इसके लिए वो फिर से एक मतलब मैच लड़ते हैं, जिसकी जो शर्त होती है ये होती है कि सामने वाला या तो उसकी डेथ हो जाए या तो वो बेहोश हो जाए, तभी वो उसमें मतलब उनको वो जीत मानी जाएगी। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ है ये, मतलब मूवी है, अगर आपने इसको नहीं देखी है तो इसको ज़रूर देखें। जो दूसरी मूवी है उसका नाम है इनाकुनारे गुंजो, जो इसमें मेन कैरेक्टर हैं उनका नाम है नाना कुशा। जो दूसरा मेन कैरेक्टर है उसका नाम है यू मनाबे। जो इसकी स्टोरी है वो कुछ इस तरह की है कि इसमें एक कायदन नामक आइलैंड होता है, जहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती लाया जाता है, और वहाँ से निकलने का सिर्फ एक रास्ता होता है कि आपने जिस अपनी ज़िंदगी में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसको भूल चुके हैं उसको याद करें, और तभी आप वहाँ से निकल सकते हैं। तो इसकी स्टोरी काफ़ी अलग है। जो इसकी IMDb रेटिंग है वो है 4.8 out of 10। तो इसमें जो यू मनाबे होती हैं वो उस आइलैंड से हर हाल में निकलना चाहती हैं, लेकिन जो नाना कुसा होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि मतलब वहाँ से वो निकले, क्योंकि वो वहाँ पे काफ़ी आइडियल लाइफ सी मतलब स्पेंड कर रहे होते हैं, वहाँ के लोग काफ़ी आइडियल होते हैं उस आइलैंड के। लेकिन यू मनाबे जो होती हैं वो नहीं चाहती हैं उस आइलैंड पे रहना, क्योंकि वो उस लैंड में मतलब सारी चीज़ें हैं जो हैं वो इल्यूजन टाइप की हैं, और वो रियलिटी में आना चाहती हैं, और जो नाना कुसा हैं वो वहीं रहना चाहते हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये दोनों मूवी आपको कैसे लगी जिनका हमने जिक्र किया, और ये दोनों मूवी काफ़ी अच्छी हैं। पर्सनली मैं बता रहा हूँ इसको क्योंकि इसकी जो स्टोरी है काफ़ी अच्छी है दोनों मूवीज़ की, भले ही दूसरी मूवी की IMDb रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी मूवी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए ये मूवी। और इसी तरह अच्छी अच्छी जैपनी मूवी के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हमें दें। थैंक यू।